बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। मैं हूं जब्बार खान। दिन की सबसे बड़ी सियासी बहस के साथ, जब परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि एक पार्टी, एक संगठन या चंद लोग या कोई शख्स वेंटिलेटर पर हो और वेंटिलेटर से हटने के लिए कोई रास्ता सूझ ना रहा हो, जब परिस्थितियां ऐसी बने कि जब एक बड़ी सर्जरी की जरूरत हो मगर सर्जरी करने वाला कोई शख्स, कोई डॉक्टर सामने ना आए, लेकिन उससे बड़ी विडंबना ये कि जब पता ही ना चल सके कि बीमारी क्या है तो फिर उस मर्ज का इलाज कैसे होगा और कौन करेगा। 72 वर्षों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी कभी नहीं रही जैसा कि पिछले 5 वर्षों से देखने को मिल रही है। मगर सवाल इस बात का कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सत्ता और कामयाबी के शिखर पर है तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां वेंटिलेटर पर हैं। मगर कहते हैं ना कि मौका आता है, उस मौके का सही इस्तेमाल सही रणनीति के साथ में किया जाना चाहिए, मगर मौजूदा वक्त में क्या मौके नहीं आए? मौजूदा वक्त में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के सामने क्या मौकों का सही इस्तेमाल करने के लिए सही रणनीति के साथ जमीनी स्तर पर जाने में संकोच किया, या फिर वाकई एक ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी के साथ या फिर विपक्षी पार्टियों के साथ में आ चुकी है कि वो जनता का विश्वास जीतने के लिए जो कोशिश भी करते हैं उसमें सिर्फ नाकामी हासिल हो रही है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब एक पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर विपक्षी लीडर का दर्जा तक ना मिल सके तो फिर आप क्या कहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे दिन की सबसे बड़ी सियासी बहस में कि कहां पर है कांग्रेस का हल्ला बोल, मगर बड़े नेता कहां हो गए गोल। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, मगर उससे पहले रिपोर्ट भी देखेंगे। विपक्ष, मजबूर विपक्ष और कांग्रेस जैसा विपक्ष, प्रदर्शन की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कांग्रेस ने कुछ मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन की कोशिश तो की लेकिन कामयाब होने के लिए कोई बड़ा नेता मैदान में दिखाई नहीं दिया। हालांकि प्रियंका गांधी ने खुद ट्वीट कर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर विरोध करने उतरे भी लेकिन नतीजा जो हुआ आपके सामने है। कांग्रेस ने जिस प्रदर्शन का प्लान बनाया वो तो फ्लॉप हुआ ही, साथ ही कांग्रेस की कमजोरियां भी सामने आ गईं। साथ में ये भी साफ हो गया कि विपक्ष में एकता की कितनी कमी है। कांग्रेस का प्रदर्शन फ्लॉप होने की एक बड़ी वजह बना है विपक्ष में बिखराव। बड़ी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस के साथ आने से ज्यादातर बचती ही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा लगा था कि कांग्रेस के साथ कई दल मजबूती से साथ निभाएंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में सब अपनी अपनी डफली बजाते हुए दिखने लगे। मगर आज तो शाहजहांपुर के मामले को भुनाने की कोशिश कर रही कांग्रेस का साथ देने के लिए कोई भी दल दिखावे के लिए भी साथ नहीं आया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हार के साथ ही विपक्ष की मजबूती पर भी न सिर्फ बड़े सवाल उठे बल्कि बिखरी हुई विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने के लिए कांग्रेस की क्षमता पर भी सवाल है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री मोदी खुद भी मानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अहम होती है। लोकतंत्र में विपक्ष का होना, विपक्ष का सक्रिय होना, विपक्ष सामर्थ्यवान होना, ये लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस ने बेरोजगारी से लेकर कानून व्यवस्था तक के कई मुद्दों को भुनाने की कोशिश की। चौकीदार से लेकर बेरोजगारी तक राहुल गांधी कई सवालों को लेकर आए, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के साथ विपक्ष जितना कमजोर आज नजर आ रहा है, शायद उतना कमजोर विपक्ष आज लोकतंत्र के लिए चिंता का मुद्दा बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। और मैं अपने खास मेहमानों से उनका तारुफ आपसे कराऊं, उनको आपसे मिलवाऊं, उससे पहले आइए देखते हैं कि आज के वो महत्वपूर्ण सवाल क्या हैं जो आपके समक्ष हैं,
क्योंकि R9 टीवी आज ये पूछ रहा है कि क्या ऐसे बन पाएगा कांग्रेस मजबूत विपक्ष, कांग्रेस का हाथ कितने साथ हैं, स्थिति आपके सामने है, साथ में कहां गायब हैं दूसरे विपक्षी दल, एक बड़ा सवाल उनके ऊपर भी खड़ा है। क्या ऐसे बन पाएगा मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस, कितने लोग साथ में हैं और साथ होने के साथ साथ में विपक्ष का सहयोग बड़ी पार्टी के साथ में किस तौर पर है, दूसरे दल गायब क्यों हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सियासी सबसे बड़ी चर्चा और बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर शिवम तिवागी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। साथ में है संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, जो कि बताएंगे और समझाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता और समर्थक के हैसियत से जुड़ेंगे अरुण त्रिपाठी जी, जो कि इस वक्त हमारे साथ में नहीं लेकिन थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और धर्मवीर चौधरी जी समाजवादी बीएसपी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर इस चर्चा में शामिल हैं। श्रेष्ठ मिश्रा जी हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, ऋषि मिश्रा जी और आप सभी लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है कि आप लोगों ने R9 टीवी पर आकर के आज इस बड़े मुद्दे को लेकर के इस बड़ी चर्चा में शामिल होकर के जनता तक उन तमाम बातों को समझाने के लिए हमारे निवेदन पर आप लोग यहां पर पहुंचे। शुरुआत में आपसे ही करना चाहता हूं शिवम त्यागी जी, जाहिर तौर पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए फायदे की चीज है कि एक मजबूत विपक्ष हो, सहयोग करे, सवाल उठाए, सजेशन दे, मगर क्या आप ये बता सकते हैं कि बीजेपी के सामने मजबूत विपक्ष तो छोड़िए, आज तमाम विपक्षी दल एक साथ खड़े होकर के एकजुटता भी नहीं दिखा पाते? अब देखिए, ये तो विपक्षी दलों से ही पूछना पड़ेगा जब्बार जी के वो एकजुटता क्यों नहीं दिखा पाते। लेकिन ये बात जरूर है कि जनता में जिस तरह से विपक्ष को, सभी तरह की पार्टियों को नकारा है, उसको देखते हुए कहीं आसपास भविष्य में भी ऐसा नहीं लग रहा। मैंने सवाल मेरा कांग्रेस पार्टी के लिए होता अगर वो होते, मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आज एक मौका उनके हाथ में लगा। न्याय यात्रा की शुरुआत वो करना चाहा उन लोगों ने, मगर कर ना सके, रीजन प्रशासनिक स्तर पर दिया गया। कांग्रेस पार्टी का तो हाल ऐसा ही है, जैसे उनके प्रवक्ता अभी आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए, ऐसे ही राहुल गांधी भी कहीं समय पर नहीं पहुंच पाते। ये परेशानी नेहरू एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड के साथ आज से नहीं, हमेशा से है। 1929 में इस देश में पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह जवाहरलाल नेहरू जी को राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद से 1998 के बाद तो ये एक राष्ट्राध्यक्ष नहीं ढूंढ पाए परिवार के अलावा। ठीक है, तो जाहिर है जब परिवार से बाहर जाएंगे नहीं तो नेता कहां से ढूंढ। ठीक है, जनता के साथ जुड़ाव नहीं है, तमाम लोगों को वो मौके मिल नहीं सकते। आप कुछ कहना चाह रहे? ये पहली बार बीजेपी का मैं देख रहा हूं 5 सालों से इतिहास के पीछे अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए हर बात के लिए नेहरू, हर बात के लिए सरदार भाई। देखिए, विपक्ष अगर इकट्ठा नहीं, विपक्ष अगर इकट्ठा नहीं हो पा रहा तो मैं विफलता तो उनकी है, सरकार की तो है ही नहीं। एंकर साहब एंपायरिंग कीजिए आप, मैं इनके बीच में नहीं बोला। जवाब तो देना पड़ेगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, जवाब तो देना पड़ेगा, ऐसे डिबेट तो देना पड़ेगा। मैं मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा शिवम त्यागी जी आपको भी होने दीजिए। ये पहली सरकार है कि अपने असफलता को छिपाने के लिए इतिहास में इनको झांकना पड़ता है, हर बात के लिए नेहरू, हर बात के लिए गांधी, चिन्मय, मगर उस इतिहास को आप बदल नहीं सकते ना। जो भारतीय जनता पार्टी को रेप कर दिया उसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है क्या? वो या तो इतिहास गलत है या तो वो बीजेपी इतिहास गढ़ रही है। या आप ये कहना चाह रहे? ठीक है, अगर मेरी सरकार पर उंगली उठेगी तो मैं इतिहास किसका गिनाऊंगा, यूनाइटेड स्टेट्स का गिनाऊंगा या हिंदुस्तान का गिनाऊंगा? ये दुर्भाग्य है, जाहिर है। हम तो 70 सालों तक आपको बताते रहेंगे कि विपक्ष नाकामयाब है, राहुल गांधी नाकामयाब है। अगर आपको लगता है कोई मुद्दा है तो आइए ना जनता में, आइए जनता में। ऋषि मिश्रा जी, अगर आपको लगता है कि कहीं पर सरकार साथ नहीं है तो आइए,
बेटी बचाओ, लेकिन परेशानी ये है आप लोगों की कि आप ना जनता को समझा पाते हैं ना अपने आप को समझा पाते हैं और ये प्रॉक्सी वॉर लगाने की कोशिश करते हैं जो आप लगा रहे हैं। अगर आपको लगता है सरकार अच्छा काम नहीं कर रही तो आइए आइए ना, अगर आपको लगता है सरकार अच्छा काम नहीं कर रही तो आइए सड़कों पर, लेकिन आपको तो नेता ही ढूंढे नहीं मिलते। कभी कोई बैंकॉक में है, कोई इटली में है, कोई लंदन में है। अगर आपको लगता है आपके पास मुद्दे हैं तो मुझे लगता है जनता में आपको आना चाहिए। लोकतांत्रिक रूप से कांग्रेस यदि प्रदर्शन कर रही थी, दुर्भाग्य देखिए लोकतंत्र का कि बलात्कारी अस्पताल में है और पीड़िता जेल में, और इस पे कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, आपने कश्मीर बना दिया, आप जारी किया, नितिन प्रसाद को आप जारी किया, दुर्भाग्य है। आप करिए ना, चलेगी आप भूल गए, आप भूल गए सिस्टम के लिए वर्ल्ड में जाने आपने इस देश में दुर्भाग्य छत्रराज आपकी सरकार को आपकी पार्टी को तमाम विपक्ष को जनता ने नकार दिया है। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले 50 साल तक जैसा कि अमित शाह जी ने कहा, देखिए 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 देखिए, मैं एक चीज यहाँ पर साफ कर दूं। शिवम त्यागी जी ऋषि मिश्रा जी एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर एक अपनी न्यूट्रल वो राय रख रहे हैं, उनका अंदाज अग्रेसिव आपके लिए जरूर हो सकता है, मगर वो मुझे जवाब देने का पूरा अधिकार है और मैं जवाब दूंगा। अगर सरकार से कोई सवाल पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा, अगर मेरी सरकार पर कोई सवाल उठाएगा तो मैं इतिहास में गिनाऊंगा। अब जाहिर है ना, अगर सरकार की बात हो रही तो मैं पुरानी सरकारों से कंपेयर करूंगा, नहीं साउथ अफ्रीका। ठीक है मैं आप दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा क्योंकि मैं अपने दोनों मेहमानों की तरफ जाऊं और उनसे भी एक एक कॉमेंट लूं इस पूरे मामले में, मगर मुझे धर्मवीर चौधरी जी, मुझे एतराज है इस बात को लेकर के आप जिन बातों को लेकर के स्टूडियोज में बातें करते हैं, कांग्रेस पार्टी का एक मुद्दे को लेकर के आज न्याय यात्रा होनी थी, नहीं हो सकी क्योंकि उसके कई कारण प्रशासन ने बताए, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि मायावती जी कहां गई, क्या उन्होंने एक बार भी सड़क पर आकर बाहर आकर के, अगर कांग्रेस पार्टी वाकई सही में है, सही में न्याय यात्रा निकालना चाह रही थी, आपका सहयोग कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं मिल रहा, या कांग्रेस पार्टी और बीएसपी के बीच में इतनी दरारें बढ़ चुकी हैं कि आप लोग उनके साथ खड़े नहीं होना चाहते कहने के लिए? जब्बार भाई, जरा ये जो दो भारतीय अभी चिल्ला रहे थे इनसे निवेदन है कि डिबेट में जरा अनुशासन बनाए रखें और बात दूसरे की शांतिपूर्वक सुने और शांतिपूर्वक जवाब दें। मैं जब्बार भाई आपकी दोनों तीनों बातों का जवाब देता हूँ। ये जो बीजेपी के लोग हैं और जो ये कांग्रेस के लोग हैं, ये दोनों पार्टियाँ लोकतांत्रिक पार्टियाँ नहीं हैं और ये दोनों लोकतंत्र के गले को घोटना चाहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जो ये न्याय यात्रा निकल रही थी गलत तरीके से, जब्बार भाई हमें 10 सेकंड करके गुमराह करने के लिए निकाला जा रहा था? सर 10 सेकंड तो दीजिए खान साहब। कर्नाटक में आपने बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे को देखा कि उन्होंने कैसे सत्ता हथियाई, और कांग्रेस ने बीएसपी के 6 एमएलए अपने धन बल बाहुबल से राजस्थान में कैसे तोड़ने का काम किया, ये लोकतांत्रिक लोग नहीं है। कल परसों 4 दिन पहले आपने मोदी जी के विदेश में भाषण को पढ़ा, ये बुद्ध की और महात्मा गांधी की बात करते हैं, देश में आकर के ये आरएसएस, देश में आकर के ये आरएसएस, सारी बातें अपनी जगह ठीक है, और जो है मनुवाद की बात करते हैं, एक स्टेट क्यों इनको वहां पर जाए और एक स्टेट याद नहीं आए, क्यों मोदी जी को विदेश में जाकर के गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी आए सर, याद आए? सर मैंने आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है और इन लोगों ने गरीबों के वोट लेकर के गरीबों की पीठ में छुरा मारने का काम किया है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों चाहे वो कांग्रेस के लोग। सारी बातें आपकी ठीक है 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले सर धर्मवीर चौधरी जी सर गलत एक बात सुनिएगा, 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले एक कमेंट आता है मायावती जी के लिए, उसके बाद में क्या कुछ इधर से कहा जाता है, उसके बाद में एक नई नेता उभर करके सामने आ जाती है जो कि मंत्री बन जाती है, बीजेपी को फायदा उससे होता है। आप लोगों ने पहली बार आपकी पार्टी के नेता के ऊपर में उस वक्त अभद्र कमेंट किया गया, आपने उससे ज्यादा अभद्र कमेंट कर दिया, उसके बाद में फायदा बीजेपी ने उठाया जो कि उसको आता है। मेरा सवाल यह है कि न्याय यात्रा में बीएसपी शामिल नहीं हुई, सपोर्ट नहीं किया, मगर क्या अपने तौर पर किसी किस्म की आवाज उठाई? आपको लगता है कि बीजेपी गलत कर रही है तो क्या किया आपने? देखिए, इस देश में कांग्रेस और बीजेपी के लोग, अगर इस देश के आम जनमानस के लिए कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी सांपनाथ है,
और ये दोनों डसने का काम कर रहे हैं इस देश की जनता को, ये जनता गरीब जनता को आज इस देश में सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा जब्बार साहब वो जवाब नहीं दे रहे, घटना पूरा वो जवाब नहीं दे रहे जो सवाल मैंने आपसे पूछा, दलित समाज का वो जवाब बिल्कुल नहीं दे रहे, यही मारे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ठीक है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत, मैं संजीव कौशिक यहाँ पर जो है गुंडों के हाथ में, माफियाओं के हाथ में ये कानून व्यवस्था चली गई है, पुलिस का इंस्पेक्टर मारा जा रहा है, ठीक है ठीक है, एक बाबा अपराधी बलात्कारी जेल की सलाखों के पीछे नहीं है, वो एयरपोर्ट स्टेशन पर लटका हुआ है और एक पीड़िता जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है, यही राम राज्य के लिए बीजेपी के लोग हैं इस देश में, यही राम राज्य डिबेट में मुझे लगा वो तो प्रवक्ता बनकर आए थे, शिवम त्यागी कब वो जब्बार को बताने लग गए कि डिबेट अगर आपको करानी है तो मुझे लगता है चिल्लाना बंद करें साहब, अगर आपको एंकर इतना अच्छा लगता है तो कहीं जाकर एंकर ज्वाइन कर लीजिए, प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं। दूसरी चीज, बुआ की पार्टी जब लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती है तो इस देश में उससे हास्यास्पद हालत क्या होगी, हर एक जनरेशन बीत गई, आप परिवार से एक उपाध्यक्ष से पार्टी को उसके बाद उनके भाई उसके बाद उनका भतीजे, आपको पूरी पार्टी में और पूरे देश में कोई नेता नजर नहीं आता है, किसी कोई नेता नजर नहीं आता आपको कि यहाँ पर बाहर के अलावा कोई नेता नजर नहीं आता क्या आपको, और गाय को आप दलितों का पिछड़ों से अगर आपको इतना ही लगाव है तो हमने नेता बनाइए ना, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोग दलितों पर अत्याचार करते हैं, बुआ जी के अलावा भी तो इस देश में दलितों के नेता हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, या कॉपीराइट है आपका कुछ उन पर। चले 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 मैं संजीव कौशिक जी के पास में नहीं जा सका हूँ, लेकिन ठीक है ठीक 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 है ठीक है ठीक है ऋषि जी, लेकिन कोई जल्दी से रखिएगा मुझे संजीव जागे जी के पास आना, कौशिक जी के नुमाइंदों के भाषण सुन लिए, हमारे नागार्जुन साहब ने इन पॉलिटिकल पार्टी के लिए दो शब्द दो लाइन लिखा है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि जनवरी भी इसी का अगस्त भी इसी का, जनवरी भी इसी का अगस्त भी इसी का, और भ्रष्ट नेताओं के लिए उन्होंने कहा लिखा है कि लुच्चा है लवार है, लुच्चा है लवार है, सिंहासन के शीर्ष पर सवार है, चाहे वो बीजेपी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, आप इनसे पूछे शिवम त्यागी गलत हार रहे हैं, पोर्न देखने वाले को आपने कर्नाटक में डिप्टी सीएम बनाया, इनसे पूछे सीएम बनने के लिए क्या देखना पड़ेगा, इसीलिए नागार्जुन जी की बात सटीक बढ़ती है, लुच्चा लवार है, शीर्ष पे सवार है, सत्ता के शीर्ष पे सवार है। संजीव कौशिक थोड़ा पानी पी लीजिए, गला पड़ जाएगा, जवाब आपको दे देता हूँ, अगर आपको पॉलिटिकल क्लास से इतनी परेशानी है आपका स्वागत है, लोकतांत्रिक मूल्यों में हर किसी को पार्टी बनाने का अधिकार है, इसीलिए सारे बालकार भी आए राजनीति में, मैं तो कहता हूं विपक्ष के साथ आपका भी गुंडा उठाकर बुलंद होना चाहिए, शिवम त्यागी जी उठाइए विपक्ष को बुलंद करिए अपनी आवाज, अगर आपको परेशानी है मैं क्या कहता हूं अपनी आवाज बुलंद कीजिए, ठीक है सर। संजीव कौशिक जी, मुद्दे जितने हैं वो सारी पार्टियों के सामने हैं, मेरा सवाल जिस बात को लेकर मैंने शुरुआत की थी इस चर्चा की कि क्या 72 वर्षों में ऐसी स्थिति थी कांग्रेस पार्टी की, रही होगी मगर मजबूती के साथ में, जवाहरलाल नेहरू के सामने ऐसे नेता थे जो बोलते थे तो लोग सुनते थे, सरकार सुनती थी, इंदिरा गांधी के साथ में इंदिरा गांधी का हश्र किया हुआ इमरजेंसी के बाद में, उसके बाद में वापसी कैसे की, उनके पास स्ट्रैटेजी थी, क्या मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल इस कदर हताश धराशायी मायूस परेशान है कि स्ट्रैटेजी या रणनीति नहीं बना पा रहे, सियासी नब्स को जान समझ नहीं पा रहे, है क्या स्थिति? जब्बार भाई शुक्रिया, कम से कम समय तो दिया आपने हमें बोलने के लिए, शुक्रिया। मैं शुरुआत कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने जिस तरह से इस डिबेट को स्टार्ट किया था कि कांग्रेस के साथ कितनों का हाथ है जी, उसी से हम शुरू करते हैं। सवाल यह है कि जिस मामले में हम लोग डिबेट कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ यदि कोई नहीं है और अकेला कांग्रेस आगे बढ़ती है इस मुद्दे को लेकर के, वैसे मुद्दे को लेकर के जिस चिन्मयानंद की बात यदि हम कर रहे हैं और जिसके मामले में लेकर के उन्होंने पदयात्रा शुरू की थी, एक ऐसा मसला जिसमें एक ऐसी पीड़िता जो उनके कॉलेज में काम करती है या पढ़ाई करती है और साथ साथ प्राइवेट जॉब करती है, उसके साथ यौन शोषण होता है, कोई उसका साथ नहीं देता है, बाद में तमाम तरह के घटनाक्रमों के बाद एक FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज भी होती है तो किस तरह से कानून के साथ छेड़छाड़ होती है कि 376 के बदले 376 सी लगाया जाता है उसमें, मतलब कि किसी महिला के ऊपर स्वामित्व रखने वाला वो अधिकारी व्यक्ति, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं जो कहना नहीं नहीं मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, यदि इस तरह से वो लड़की यहां तक पहुंची है और उस चिन्मयानंद को आज हॉस्पिटल में यदि जगह मिल रही हो और उस लड़की को यदि जेल में रख दिया गया हो, कांग्रेस पार्टी ने यदि एक पदयात्रा निकाला उसके बारे में,
निश्चित तौर पे उसके साथ समाजवादी पार्टी के लोग नहीं हैं, निश्चित तौर पे उसके साथ बसपा के पार्टी नहीं है, बसपा के लोग नहीं हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्या इसके वजह से कांग्रेस भी अपना आंदोलन करना बंद कर दे, क्या वो आगे नहीं बढ़े? वो कुछ तो कर रही है वैसे लोगों से जो कान में अपने रुई डाल के बैठे हैं, उस लोगों से तो बेहतर है कि कम से कम वो शुरुआत कर रही है, वो जवाब तो मांग रही है ना, वो कम से कम कोशिश तो कर रही है। अब कितने लोगों का साथ, आपने सही कहा कि इंदिरा गांधी ने जिस तरह से इमरजेंसी के बाद में जैसी हालात हुई और फिर एक नए स्ट्रेटजी के बाद, दो सालों के बाद, ज्यादा दिनों की बात नहीं है, दो सालों के बाद में जिस तरह से वो उनकी वापसी हुई थी। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति में अंत किसी का नहीं होता है, आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी भी शुरुआती दौर में हार गए थे, लेकिन इसके लिए एक सतत प्रक्रिया है। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस सर ये लंबा इंतजार नहीं हो रहा, नहीं पिछले पांच साढ़े पांच वर्ष हो गए, स्ट्रैटेजी आपकी जमीनी स्तर पर अगर देख ना सके तो हो क्या रहा सर? होता क्या है मैं बता रहा हूं आपको, हकीकत में ये बात है कि आपने देखा होगा कि पिछले बार लगातार यदि दो बार कांग्रेस सरकार में रही पांच पांच साल तक, तो पहले फेज के बाद सेकेंड फेज में कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी का उस समय कोई कद्दावर व्यक्ति दिखाई नहीं देता था, अडवाणी जी खुद संदेह के घेरे में थे, जिसके वजह से कोई कद्दावर नहीं होने की वजह से पुनः कांग्रेस की वापसी हुई थी। ठीक वैसे ही इस बार भी कांग्रेस के आपसी फुटबल, कई लोग ऐसे हैं कांग्रेस में जो उसके वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग खुद पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए काफी हैं, वैसे लोगों की वजह से कांग्रेस की यह हाल हुई है। आत्ममंथन का दौर है, निश्चित तौर पर कांग्रेस निकलेगी और एक वक्त आएगा आपको दिखाई देगा कि वो मजबूती के साथ खड़ी है, लेकिन ये मत समझिए कि कांग्रेस समाप्त हो गया या कांग्रेस के समाप्त हो जाने का समय है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सर इंतजार की भी एक सीमा होती है, मगर ऋषि जी मैं आप ही के पास आना चाह रहा था। मेरा सवाल यह है कि ठीक है आपकी सारी बातें जायज हैं, सत्ता पक्ष मौजूदा वक्त में किस तौर पर कितनी मजबूती के साथ में अपना सियासी पंजा मजबूती से रखे हुई है, ठीक है, मगर क्या एक इशू पर न्याय यात्रा अगर रोक दी जाती है, महज ट्वीट करके प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे बैठ जाती है, राहुल गांधी का आता पता नहीं होता है, सोनिया गांधी मौन होती है, कांग्रेस के बड़े नेता दिखते नहीं है, क्या आप सिर्फ एक ट्वीट के जरिए चाहते हैं कि सब कुछ आपके पक्ष में आ जाए, ये स्थिति कैसी है? देखिए मैं कांग्रेस के एक बड़े नेता से इस बात पर बात कर रहा था कि इतने इशू हैं, महंगाई है, बेरोजगारी का मामला है, चिन्मयानंद का मामला है, आप लोग सड़क पे क्यों नहीं उतरते? तो उनका कहना था कि कांग्रेस में किस प्रकार से लैक लस्टर है, इस बात से मैं सहमत हूँ कि लैक लस्टर इतनी है कि उनके प्रभारी कहते हैं कि श्राद्ध का इंतजार कर रहा हूँ, श्राद्ध का पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग, बताइए इतना बड़ा मुद्दा आपके पास है, चिन्मयानंद वाले मुद्दा है, प्याज $70 के बराबर, प्याज और डॉलर पेट्रोल बराबर एक बराबर होती जा रही है, आप सर नहीं तो क्या सक्षम नेतृत्व नहीं है? मैं वही वैसी सक्षम नेतृत्व नहीं है, सक्षम नेतृत्व के अलावा राहुल गांधी का जिस प्रकार से लैकलस्टर था, देखिए आप अब वो बीजेपी नहीं है, आप बीजेपी अमित शाह और नरेंद्र मोदी का है, वो 24 आवर को 48 आवर में चेंज कर देते हैं, आप 24 आवर को 12 घंटा में चेंज करके राजनीति कीजिएगा तो आप कम्पीट नहीं कर पाइएगा। दूसरा इन लोगों में गुटबाजी भी है, आप राजस्थान में सचिन पायलट वर्सेज अशोक गहलोत देख लीजिए, हरियाणा में भी देखे हैं कि अशोक तंवर जो है किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, हुड्डा अलग राह पे है, शैलजा का अलग राह है, किरण चौधरी का अलग राह है, ठीक है, तो पार्टी कमोबेश सभी राज्यों के अंदर मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में हर तरफ से कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है, सभी पार्टियों के अंदर होती है कमोबेश थोड़ी मोड़ी, लेकिन एक सक्षम नेतृत्व जब होता है, अमित शाह जैसा माइक्रो मैनेजमेंट करने वाला शख्स जब होता है तो कहते हैं कि सभी चीजों को बैलेंस करके अपनी एकजुटता बनाए रखता है एक शख्स, मगर उस चीज की कमी आज कांग्रेस पार्टी में देखी जा रही है। संजय कौशिक जी कि ये सारे मुद्दे अपनी जगह हैं, सब चीजें अपनी जगह है, मगर कांग्रेस या विपक्षी दल जो भी इशू उठाते हैं या जिस रणनीति के साथ जमीनी स्तर पर जाने की कोशिश करते हैं धराशायी हो जाते हैं, क्या एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है विद इन पार्टी अपनी अपनी पार्टियों में सभी को, या फिर पार्टी के सरफुटवल की वजह से? लेकिन दूसरे पक्ष विपक्षी दल एक साथ आते तो हैं, कर्नाटका के वक्त में दिखा था, विधानसभा चुनाव के बाद में, चुनावी नतीजों के बाद में एक मंच पर सब हाथ हिला करके खड़े हुए थे, मगर मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए पिछले 5-6 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पे है या उदय पे है, मैं समझता हूँ कि राजनीति की परिपाटी जो पारंपरिक थी वो निश्चित तौर पे बदलाव आया है उसमें। सत्ता का दुरुपयोग आप कह लें इसको या सत्ता की हनक कह लें, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यदि मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो उसके पीछे कारण ये है कि चाहे चिन्मयानंद जैसे आदमी की बात कर ली जाए या उन्नाव केस की बात कर ली जाए, कैसे मटिया मेट करने की कोशिश की गई थी पूरे परिवार को, या फिर जम्मू में रेपिस्ट के साथ साथ कठुआ में झंडा लेके निकलने की बात हो, तो एक नई परंपरा जो मजबूती के साथ किसी भी अपने पार्टी के वर्कर के साथ,
कांग्रेस पार्टी बाकी अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनकी कोशिश ये होती है कि यदि कहीं दाग लग जाए तो उनको साइड में कर ले, लेकिन लोगों के जहन में ये बात है कि यहाँ पे यदि इस स्तर पे भी आपके साथ यदि पार्टी खड़ी है, साथ साथ झंडा लेके खड़ी है, तो निश्चित तौर पे लोगों के जहन में इस तरह के जो दिमागी तौर पे इस तरह के लोग हैं वो मजबूती के साथ जुड़ते हैं और उनको लगता है कि नहीं पार्टी तो है हमारे साथ, शिवम त्यागी जी, चाहे हम जिस तरह से भी हैं। तो चाहता हूं कि जब आप कुछ करीब 10-15 दिन या 10-15 सेकंड बाद कुछ बातें भूल जाते हैं तो उस बीमारी को सिलेक्टिव एमनीशिया कहते हैं। जी बोलिए। वही हो गया है, गायत्री प्रजापति के केस को भूल गई है लोग, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद तो एफआईआर फाइल हुई थी, कमाल की बात, अतुल रॉय की बात को तो अतुल रॉय को तो भूल गई है लोग, गोचे का उम्मीद, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अरे बराबरी को क्या कहना आते दूसरी, वो खराब थे, मैं क्या कहता हूं खराब थे तो बोलिए ना, अरे तो एक पार्टी को क्यों कहते हैं, और सुनिए आप कह रहे पावर सत्ता का दुरुपयोग, आप कह रहे हैं आप सुन लीजिए का दुरुपयोग उसे कहते हैं जो इमरजेंसी लगाता है जब किसी को सुना नहीं जाता, सत्ता का दुरुपयोग उसे कहते हैं, भ्रष्टाचारी था उसे आप जेल में ढूंढ कहते हैं, जब विपक्ष छोड़ के पूरी जनता को भी नहीं सुना जाता और देश में इमरजेंसी लगाई जाती है, अब आ जाते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पे, अब आ जाते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पे, सारे भ्रष्ट लोगों को जेल में ढूंढने आए थे, जवाब बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोल रहा, नहीं मेरी बात नहीं, नहीं आप आपने बोल नहीं दिया, आपने बोलने नहीं दिया, आप जबरदस्ती यहां पे हाजिर कर रहे हैं राहुल गांधी या फिर यूं कहिए प्लानिंग या राहुल गांधी या फिर यूं कहिए स्ट्रेटजी या राहुल गांधी, अगर हम दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे खत्म हो जाएंगे जैसे कांग्रेस, बुद्धि और राहुल गांधी एक नदी के दो किनारे हैं जो मिल ही नहीं सकते, अरे मगर आप सब कुछ पूछना चाहते हैं, नहीं बोल सकते वो देश चलाएगा क्या, आप एक बात बताइए वो देश चलाएगा क्या, सवाल ही नहीं, देश चलाएगा सर, सुन लीजिए, आप कह रहे हैं यहाँ एक देश का घोटाले बाद तिहाड़ में बैठा हुआ है राजमाता, इस देश की सो और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री उनसे तिहाड़ में मिलने जा रहे हैं और आप कहते हैं सत्ता का दुरुपयोग हम कर रहे हैं, इमरजेंसी आपने लगाई 5,000 और आप कह रहे हो बोलने नहीं देंगे, यहाँ आप नहीं बोलने देंगे वहाँ वो नहीं बोलने देंगे, यही करेंगे आप, सवाल ही नहीं सुनेंगे आप, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है सर प्लीज मैं आप सभी लोगों को चाहूंगा प्लीज रुके सर ये ठीक नहीं है ठीक है मैं आप सभी लोगों को, मैं शिवम त्यागी जी संजीव कौशिक जी, ठीक है सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ऋषि जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, संजीव कौशिक जी, मैं सवाल किससे करूँगा, ठीक है संजीव कौशिक से करूंगा ना सवाल, शिवम जी आपसे पूछना चाह रहा संजीव जी, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ, अरे सुनिए सुनिए जहाँ 4 आदमी इकट्ठे हुए उनको जेल डाल दिया गया, यहाँ नहीं देखा बोले, नहीं देखा बोले, अरे बराती आप एक पत्रकार की बात कर रहे हैं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे देश नहीं आया आपका पास, ऋषि मिश्रा आवाज ही है और कुछ नहीं है, जवाब तो है नहीं आपके पास, जवाब ही नहीं आपके पास, जब घर जाएंगे पिताजी से पूछेगा इमरजेंसी का जवाब ही नहीं आपके पास, बोल सकते हैं बैठ के टीवी पर आप पूछे उनसे जाकर, अरे काश होती अगर इमरजेंसी होती तो मेरे बराबर में बैठ के आप इतनी मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख रहे होते, ठीक है मैं चाहूंगा आप सारे लोग प्लीज, मैं अपने सभी मेहमानों से चाहूंगा कि देश की जनता, आप लोग शिवम त्यागी जी सभी को मैं कहना चाहूंगा, आप सब लोग संजय कौशिक जी मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, आप सब लोग नेशनल टेलीविजन पर हैं, देश की जनता आप सभी लोगों को देख रही है, मगर शिवम त्यागी जी ये भी तो है कि अगर कांग्रेस ने जिन चीजों को किया क्या बीजेपी वो चीज दोहराई जाएगी, ठीक है मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं आपका सवाल संजीव जी आपको मौका मैं दूंगा, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि एक मजबूत विपक्ष का होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होना बहुत जरूरी है, उनके बेशकीमती मशवरों का सुना जाना बहुत जरूरी है, मगर ठीक है सर मैं आपको एक बार सबको याद दिलाना चाहता हूं क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद में उसके परिप्रेक्ष्य में हम जवाब लेंगे। लोकतंत्र में विपक्ष का होना, विपक्ष का सक्रिय होना, विपक्ष सामर्थ्यवान होना, ये लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। हमारे साथ में हालांकि थोड़ी देरी से ब्रेक के बाद अरुण त्रिपाठी जी आ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, मैं उनकी तरफ थोड़ी ही देर में रुख करूंगा, मगर संजीव कौशिक जी आपसे मेरा सीधा सवाल यह है, चूंकि आप राजनीति को बहुत करीब से देखते और समझते आए,
क्या कांग्रेस पार्टी ने, क्या स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने, क्या दूसरे प्रधानमंत्रियों ने या सत्ता पक्ष पार्टियों ने जो कुछ किया आज बीजेपी उस चीज को सहारा लेकर के इस्तेमाल कर सकती है कि ऐसा तो पहले हुआ क्या? ये ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक पहली बात तो ये लगातार पिछले पिछले पांच साल और एक साल ये लगातार ये कहते चले आए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं इनको ये बता दूं केवल कि जो पिच, जिस पिच पे आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, वो पिच आपको कांग्रेस ने ही बना के दिया है और पिछले 70 सालों में ही आपको मिला है, पहली बात। और दूसरी बात कि यदि किसी मुद्दे पर पिछले 5 सालों से कांग्रेस यदि उस पर अमल नहीं कर पाई या भ्रष्टाचारी वो सिद्ध हो गई, आपने भ्रष्टाचार के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और उनको भ्रष्टाचारी सिद्ध करने की कोशिश की, कितने भ्रष्टाचारियों को जेल में ठूसा, आपसे सवाल किए जाएंगे, वो भी आपसे पूछा जाएगा। मैं सवाल ये कर रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस फेल्योर थी हर मुद्दे पर, कांग्रेस को दरकिनार कर दिया लोगों ने। आप जब आए थे सवाल भी वही है ना, क्या सवाल तो वही है, वही दरकिनार लोगों ने क्यों किया, उसके पीछे बड़ी वजह है, उसके पीछे बड़ी वजह क्या, उस वजह को कांग्रेस पार्टी समझने का है। मैं आप सबकी तरफ आ रहा हूँ सर, ठीक है सर, जल्दी से। चुनाव में 2014 में महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी शोर शराबा करके 70,000 करोड़ का इरीगेशन घोटाला का आरोप कांग्रेस सरकार पे लगाई थी। ये आपको मालूम होगा, वरिष्ठ पत्रकार आपको मालूम होगा कि इरिगेशन घोटाला का 70,000 करोड़ का, इनसे पूछिए कितने लोग गिरफ्तार हुए इरिगेशन घोटाला में, शायद इनको मालूम ही नहीं होगा इरिगेशन घोटाला कहाँ महाराष्ट्र में क्या हुआ और कितने चक्की घोटाला में कितने मंत्री जेल गए, चक्की घोटाला महाराष्ट्र में हुआ। तो सिर्फ बात बनाने से काम नहीं होगा, जवाब दे दूं। अब सुन लीजिए, सुनने की भी क्षमता रखिए। देखिए इस देश में एक न्याय व्यवस्था, सुन लीजिए जरा, पहले सुनिए, इस देश सुनिए जरा, पहले सुनिए, हाँ उसी पर, अरे सुनिए ना जरा, सुनिए, शांति तो रखिए, सुनिए, इस देश में न्याय व्यवस्था है, ठीक है, और इस समय सरकार में कोई सोनिया गांधी श्रीमती राजमाता नहीं बैठी है जो डिसाइड करेगी, कोर्ट करेगा, कोर्ट करेगा, गए ना अभी, देखिए ना, अभी गए ना, मगर ऋषभ शाह जी, ठीक है, शिवम त्यागी जी, आपकी बात हो गई, शिवम त्यागी जी, आपकी बात हो गई, ऋषभ शाह जी, आप दोनों लोगों को मैं रोकना चाहूंगा, आप दोनों लोगों को मैं रोकना चाहूंगा, सर, देश के पूर्व वित्त मंत्री चले गए, उस देश के पूर्व वित्त मंत्री, तमाम घोटालों में जितने भी लोग हैं, मैं क्या कहता हूँ, तमाम घोटालों में कोई भी होगा जाएगा, हम आपकी तरह नहीं करते, बदले की राजनीति नहीं कर, अरे व्यापम में शिवराज घोटालेबाज जो भी है जेल के अंदर है और भी जाएंगे, देखा ना आपने एजेंसी काम कर रही है। ठीक है सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जाहिर तौर पर देश के अंदर न्यायिक प्रक्रिया है, 2G स्पेक्ट्रम में कोई एक शख्स भी उसमें दोषी करार नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया था, वो एक रेफरेंस है, मगर मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ठीक है सर, बहस से हम भटक रहे हैं बहस के मुद्दे से, चूंकि अरुण त्रिपाठी जी हमारे साथ देर से जुड़े हुए। अरुण त्रिपाठी जी, जाहिर तौर पर जितने भी सवाल है, ऐसा नहीं कि आप उन सवालों से रूबरू नहीं है या उनको आप सोचते समझते नहीं है, सवाल यह है कि एक मुद्दा जिसको लेकर के बार बार ट्वीट किया गया प्रियंका गांधी के जरिए, न्याय यात्रा असफल हो गई या उससे पहले हिरासत में ले लिए गए सब, मेरा सवाल यह, क्या सिर्फ ट्विटर के जरिए सियासी जंग लड़ेंगे, क्या सिर्फ टीवी स्टूडियो में बैठकर सियासी जंग लड़ेंगे? आखिर राहुल गांधी गायब कहां हो जाते हैं? आखिर सोनिया गांधी मौन क्यों हो जाती हैं? कांग्रेस के बड़े नेता दिखाई क्यों नहीं देते हैं? आप एक चीज मुझे बताएंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है आज जो नेता हमारे उत्तर प्रदेश में अरेस्ट किए गए वो ट्विटर वाले थे या वो ट्विटर कंपनी से आए थे? वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे और उनको जिस तरीके से योगी जी डर करके अरेस्ट कर रहे हैं, नजर बंद कर रहे हैं, एक तरीके से जनता ने योगी को नकार दिया है और वहां पर जितने अपराधी हैं सब उनके संरक्षण में जी रहे हैं। उन्होंने पहले कहा था, सुनिए एक मिनट, मेरी पूरी बात पार का नारा दिया था जी, 74 पार का नारा दिया था यार, गुंडे चले जाए नहीं तो मेरे शरण में, और वही हो रहा है वहां पर, गुंडे उनकी शरण में है,
चिन्मयानंद को बचा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? आज ये जवाब दे कि क्या वही भारतीय जनता पार्टी है अटल बिहारी वाजपेयी जिसके नेता थे, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता लाल कृष्ण आडवाणी थे? ये जवाब दें। आज ये भारतीय जनता पार्टी गुंडा बदमाश रेपिस्ट की पार्टी है, ये रेप करते हैं इनके जितने भी नेता, कैबिनेट मंत्री रेप कर रहा और खुले में आप उसका बचाव कर रहे हैं और एक बालिका बच्ची का आप न्याय यात्रा रोक रहे हैं, किस बात से डर था? अगर डर नहीं था तो बताइए। मैं बहुत देर से धर्मेंद्र जी की तरफ नहीं गया हूं, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपके यहाँ भी बाबूलाल नागर है जो समर्थन कर रहे हैं राजस्थान कांग्रेस में, आपके यहाँ भी महिपाल मदरेना है, क्यों भूल जाते हैं महिपाल मदरेना कैबिनेट मिनिस्टर थे? लेकिन हमने कभी हमने कभी उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाया हाथ मचाई राजस्थान में? महिपाल मदरेना और बाबूलाल नागर तो अभी भी समर्थन कर रहे हैं सरकार को। सत्ता तंत्र और लोकतंत्र में एक चीज तो है कि भाई सबको अधिकार है बोलने का। सुनिए सुनिए ऋषि जी, सबको बोल, ऋषि जी सबको बोलने का अधिकार है, सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, आंदोलन करने का है। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी की आवाज बंद नहीं की। आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि बस मेरा चलेगा, कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी की आवाज बंद नहीं की। आप भूल गए 1975 से 77 के बीच की कहानी को? ठीक है ठीक है, शिवम त्यागी जी एक जवाब उनका दीजिए, फिर इसके बाद में मैं बहुत देर से नहीं जा सका धर्मवीर चौधरी जी के पास। देखिए ये तमाम जो जितने भी शगुफे हैं आसपास वाले, ये लेकर कितनी बार चुनाव में जा चुकी है कांग्रेस, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। 2019 में भी ये तमाम नारे लेकर गए थे जनता के बीच में, जनता ने जवाब इनको दिया और पहली बार से ज्यादा बहुमत के साथ हम आए और आगे भी आएंगे। लेकिन सिर्फ इतना है क्योंकि जो कांग्रेस ने किया वो भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही होती तो सत्ता पर से अभी तक हाशिए पर जा चुकी होती। अपनी परेशानियां करो, अरे चिन्मयानंद पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, कोर्ट है ना इस देश में, कोर्ट है ना, इस देश में कोर्ट है ना, मैं कहता हूं इस देश में कोर्ट है ना, इस देश में कोर्ट चलता है ना, कोर्ट से ही होती है सारी चीजें। अगर आज वो हॉस्पिटल में है तो जाहिर बात है किसी ने तो कोर्ट नहीं बोली है, ये देश रहना चाहिए, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे कोई भी हो जिसके खिलाफ हमारे कार्रवाई होगी, सत्ता भी जाएंगे। आप बताइए ना, आप बताइए ना, अरे ठीक है मैं आ रहा हूं। जवान और गरीब जवान कांग्रेस साथी और कोई देश का पूर्व वित्त मंत्री अपने ऑफिस को दलाली के लिए यूज कर रहा था उन चार्जेस पर, क्या जेल में, क्या बात, घोटाले बाज हो, रेप वाला हो, कोई हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं जाएगा और बच्चा नहीं जा रहा है। सवाल सर, सवाल इस बात का नहीं है, मैं आपको ये चर्चा में सर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं आज इसकी आज की चर्चा में किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पर जा ही नहीं रहा हूं। मेरा सीधा सवाल यह है, मेरा सीधा सवाल यह कि आपके अंदर गुटबाजी है, आप खुद को अपने लोगों को साथ लेकर चल नहीं रहे। ऐसे वक्त में आप जब ज्यादा कमजोर हो जाते हैं तो अपनी एक टीम बनाते हैं, अलग अलग दलों को भी साथ लाने की कोशिश करते हैं, मगर वो चीज हो नहीं पा रही है। धर्मवीर चौधरी जी मैं आपसे एक रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद में आ रहा हूं आपके पास में। ऋषि जी, धर्मवीर जी, ये जो विपक्ष में बिखराव है, क्या ऐसा नहीं लगता कि सभी पार्टियां अपनी अपनी डफली बजाने लगती हैं? चुनाव हुआ मध्य प्रदेश के अंदर में, बीएसपी का ठीक है साथ मिला, उसके बाद में क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से मायावती उत्तर प्रदेश में कैसे कैसे सपा के से साथ में हाथ मिलाने के बाद में चुनाव के बाद में ही आकर के फौरन उन्होंने अलग लड़ने का ऐलान कर दिया, क्या कोई स्ट्रैटेजी होती नहीं है? आपको मजबूत सत्ता पक्ष से लड़ना है। देखिए जब्बार भाई, अभी थोड़ी देर पहले आप माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन बता रहे थे, ये जो प्रधानमंत्री जी की या जो बीजेपी की जो कथनी और करनी है इसमें बहुत फ़र्क है। ये लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी हमारे साथी और पूरा देश देख रहा है कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद का सर, सर 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 हाँ, सर हमने उस पर बहुत चर्चा की, हमने उस पर बहुत चर्चा की। सर मेरा सवाल ये है, सर मेरा सवाल ये है कि ये विपक्ष आसपास भी क्यों नहीं आ पाता? धोखेबाज विपक्ष है ये, जो कांग्रेस के लोग हैं, ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये मिले हुए हैं, ये अपने सुविधा के हिसाब से एक दूसरे के पूरक हैं। जब इनको कोई चौधरी जी आप क्यों बाहर हैं? नहीं नहीं हम बाहर नहीं हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में किसी ने कड़ी टक्कर देने का काम किया है, ऋषि मिश्रा जी, बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने अपोजिशन में मैं अभी की तरफ आऊंगा, मैं अभी की तरफ आऊंगा, ठीक है, समाजवादी पार्टी ने ऋषि जी एक सीट कांग्रेस ने जीती तो ये बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सारा टक्कर दी गई है। आज भी इस देश में अगर संविधान के हिसाब से कोई पार्टी चल रही है
तो वो बहुजन समाज पार्टी चल रही है। ठीक है सर, हम सिर्फ बीएसपी पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, मगर ऋषि मिश्रा देखिए मेन कंसर्न ये है जफर भाई, समावेशी समीक्षा होनी चाहिए कि विपक्षी पार्टी के विपक्ष में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि राजस्थान में इनके 6 MLA को कांग्रेस ने हड़प लिया। चुनाव से पहले आप मायावती को इतना अनकॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास की कमी थी कि कांग्रेस को अपने गठबंधन में शामिल नहीं होने दिया। तो खुद अपोजिशन में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। संजीव तो कौशिक जी, आप ये जो भरोसे की कमी आ रही है, मैं भरोसे की कमी की पीछे की वजह क्या है? अभी बाई इलेक्शन कांग्रेस के लोग हैं क्या? कांग्रेस बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोका था, ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को अपने जीते जी 60 साल में भारत। ठीक है अरुण त्रिपाठी जी, सबका जवाब मैं आपसे लूंगा, अरुण त्रिपाठी जी सबका जवाब मैं आपसे लूंगा, मगर उससे पहले संजीव कौशिक जी, ठीक है सर ठीक है चर्चा के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। पत्रकार सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना कोई दूसरा समुदाय। तो आप ऐसा 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 मजबूत एक 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 बंच क्यों नहीं दे रहे हैं? सारे लोग खड़े होकर के एक साथ विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं आ रही हैं? सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए वो तेवर क्यों नहीं दिख रहा? खान साहब, इसके पीछे रीजन है, आप सुनेंगे तब तो। जी संजीव जी, सबको ही जानता है कि बहन जी की जो पार्टी है वो क्यों सत्ता के करीब जाती हुई दिखाई दे रही है, कौन सा ऐसा कमजोर नस है जिसके वजह से वो हमेशा डगमग डगमग दिखाई देती है? और ये धर्मवीर जी सालों में जो कांग्रेस ने देश की दुर्दशा, ठीक है सर। अरुण त्रिपाठी जी, इतने सारे सवाल हैं, हालांकि आप थोड़ी देर से हमारी चर्चा में शामिल हुए, इतने सारे सवाल हैं, वो आएगा कहां से भरोसा? जिस भरोसे की कमी का जिक्र अभी संजीव जी कर रहे थे, ऋषि मिश्रा जी कर रहे थे, वो भरोसा तोड़ने के पीछे या खत्म होने के पीछे क्या ऐसा नहीं लगता है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है? एक घर के अगुआ की तरफ से देखिए, उसको आगे आकर के सबको साथ ला करके मजबूती के साथ खड़ा होने की कोशिश क्यों नहीं करती कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी हो या भारत भाजपा, ये बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों को आमंत्रित करती है कि भाई हर प्रोटेस्ट में आप मेरे साथ आइए। महज दिखावा होता है। एक मिनट, मेरी पूरी बात। आज तक आपने कभी देखा कि मायावती जी उम्भा में, सोनभद्र में हुआ कांड, या चिमयानंद वाले, या सेंगर, किसी में मायावती जी क्या रोड पर उतरी, क्या गई किसी में प्रोटेस्ट करने? अभी भाई साहब ने कहा अम्बेडकर को हमने आपको, हम अम्बेडकर को मानते हैं, ये कब से मान रहे हैं आपको पता है? 15 साल से अम्बेडकर को मानना शुरू किया, अम्बेडकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर में अम्बेडकर को अपना नेता कांग्रेस पार्टी मानती है। और दूसरी चीज मैं इनको बता दूं कि अगर लोगों ने साथ देखा नहीं था, ये कांग्रेस का फेलियर था जफर भाई। प्रॉब्लम क्या है कि आपके बहन जी को और आनंद भाई को जब धर्मवीर चौधरी जी, आप लोग टीवी डिबेट में स्टूडियो में भी एक मत अगर नहीं हो पा रहे हैं, एक मत अगर R9 की डिबेट में एक मत नहीं हो पा रहे हैं, तो आगे बीजेपी से इस तौर पर लटकाएंगे। जफर भाई, दो बात मैं कहना चाहूंगा। दिक्कत क्या है कि जब तक आप में लीडरशिप को डेवलप नहीं होने दिया, मायावती के बाद आप देखिए, यदि मायावती के बाद कौन बसपा को संभालेगा? सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं बनने दिए गए। जहां तक कांग्रेस की बात है, अरुण भाई हमारे परम मित्र हैं, लेकिन अरुण भाई को मैं सच बात बताना चाहूंगा कि अशोक गहलोत को सरकार को सबसे ज्यादा घेरते हैं तो सचिन पायलट ही घेरते हैं। तो आपके ही पार्टी में कोऑर्डिनेशन नहीं है। वसुंधरा राजे उतनी नहीं घेरती है, राजेंद्र राठौर वहां के जो नेता है नहीं घेरते हैं, और अरुण चतुर्वेदी नहीं घेरते हैं। सबसे ज्यादा कोई घेरता है कई बार बीजेपी के कई नेता अपनी पार्टी के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं तो अच्छी बात है, लोकतांत्रिक सेटअप है। जी मुझे लगता है कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कहीं डेवलप हुई नहीं। ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं कांग्रेस में नहीं हुई, जो कि सही बात है, समाजवादी में नहीं हुई, बीएसपी में सबको पता ही है हाल क्या है। मेरा ख्याल क्या है, सारी पार्टियों को मर्ज करके ऋषि मिश्रा जी को उनका राष्ट्र अध्यक्ष बना देना चाहिए, यही सोल्यूशन नजर आ रहा है। बीजेपी में फिलहाल हालत नहीं है, बीजेपी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्या है? अब या तो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बीजेपी तो डेवलप करेगी नहीं आप में आके। अब एक चीज बताइए, जब समाजवादी का जिक्र आता है, परिवार से बाहर कुछ है क्या? जब कांग्रेस की बात होती है, परिवार से बाहर है क्या? संघर्ष की बात नहीं है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी ये राय क्यों दे रही है। अतुल राय,
मैं आप सभी लोगों को चाहूंगा प्लीज देश की जनता सुने। ठीक है सर ठीक है सर मैं चाहूंगा मुझे लगता है कि आज की इस चर्चा में मैं फाइनल कमेंट आज की इस चर्चा में नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हमारे प्रवक्ताओं ने, हमारे मेहमानों ने जिस तरीके से अपनी अपनी बातें जिस अग्रेशन के साथ में रखी है, मेरा कहना यह है, मेरा मानना यह है कि क्या यही अग्रेशन पार्टी के प्रवक्ताओं का जो टीवी डिबेट्स में दिखता है वो पार्टी के भीतर पार्टी को मजबूत करने के लिए वो गायब कहां हो जाता है, या फिर स्ट्रैटेजीज की कमी हो जाती है, या फिर सही रणनीति बनाने की कमी होती है, या फिर नेतृत्व के उस बात पर आकर के, एक बिंदु पर आकर के सवाल खड़ा हो जाता है कि पार्टियों में वैसा नेतृत्व अब नहीं रहा कि मौजूदा वक्त में जिस शख्स से लड़ना है, जिस पार्टी से लड़ना है, वो लोग कहां गए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी पर मुझे आज की चर्चा को विराम लगाना पड़ेगा। शिवम त्यागी जी, संजीव कौशिक जी, अरुण त्रिपाठी जी, धर्मवीर चौधरी जी और ऋषि मिश्रा जी, आप लोग इस चर्चा में आए, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे आर9 टीवी पर दिन की सबसे बड़ी सियासी बहस। कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे। नमस्कार।